नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आज है महाशिवरात्रि, तो आपको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। और आज हम लोग जा रहे हैं शिव जी के मंदिर, देखते हैं कौन से मंदिर चलते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे महादेव का। और आज हम लोग ने पहना है कुर्ती और ये बिंदी लगाया, तो कैसे लग रही है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो साक्षी दी चलते हैं। अभी हम लोग साक्षी दी के घर पे खड़े होके वीडियो बना लेते हैं, और हमारी यहाँ पर स्कूटी खड़ी हुई है, तो अभी हम लोग स्कूटी से जाने वाले हैं। सवारी लेकर निकल पड़ते हैं आज के चैलेंज पे। आज का चैलेंज हमारे लिए ये था कि आप लोगों को शिव जी का दर्शन कराएं और एकदम अच्छे से आप लोग घर पे बैठे बैठे दर्शन करें। अभी हम लोग आ चुके हैं अखिलेश्वर महादेव मंदिर, आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो। ये मंदिर तेलियरगंज महर्षि पतंजलि जो स्कूल है जैसे उसी के सामने है, और ये मंदिर इतनी ज़्यादा खूबसूरत है आप लोग देख ही सकते हो। चलिए आपको भी ले चलते हैं और महादेव के दर्शन कराते हैं, तो आइए चलते। और आज ये मंदिर अच्छा खासा सजा हुआ है, और बाहर शिव जी को चढ़ाने के लिए फूल माला सब आपको मिल जाएगा, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर पूरा लगा हुआ है। तो आइए अंदर चलते हैं और अपना शूज उतारते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसा कि आज शिवरात्रि और ये मंदिर एकदम बढ़िया से डेकोरेट है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग ने फूल माला लिया, उसके बाद हम लोग ने पीछे के रास्ते से एंट्री की, क्योंकि आगे काफी ज्यादा भीड़ थी इसलिए पीछे से एंट्री हो रही थी। मंदिर में एंट्री पीछे साइड से थी, तो हम लोग पीछे से आए हैं और अभी जा रहे हैं। वाओ, ये मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर है। क्या आप लोग भी पहले आ चुके हो? अगर आ चुके हो तो कमेंट्स में बता देना। अब मैं मंदिर में अंदर जा रही हूँ और यहाँ पर मैं करूँगी भोले बाबा का दर्शन। आप लोगों को भी भोले बाबा का दर्शन कराती हूँ, आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा हाय हाय शिवरात्रि के शुभ अवसर पर। यहाँ पर हो रहा था भोले बाबा का रुद्राभिषेक, तो इस बहाने आप लोग भोले बाबा का रुद्राभिषेक भी देख लीजिए। मैंने भी देखा। वो कहते हैं ना, जिकरी नाथ भोले नाथ ओ नाथ कैसे हुई। मंदिर के बाहर आकर हमने देखा ये अंकल अजगर को पकड़ कर कुछ दिखा रहे थे। साक्षी दीदी ने बड़ी हिम्मत कर इसे पकड़ा भी, बट वो क्लिप मैंने शूट नहीं किया इसलिए आप लोग को नहीं दिखा पा रही हूँ। तो मुझे तो बहुत अपनी मौसी के घर आई थी, जो मौसी का घर यही दारागंज में, तो हमने इसको बुला लिया। और अभी हम लोग आ चुके हैं दशाश्वमेध मंदिर। गाइस, अभी इस वाले मंदिर में काम चल रहा है, मंदिर को पुनः अच्छे से बनाया जा रहा है। इधर से रास्ता था साक्षी दीदी, पहले आप कुछ बोलना चाहोगी? क्या बोले तुम लोग ने तो मुझे उल्टा सीधा रास्ता बताओ के ना दौड़ा दौड़ा के थका दिया। तो गाइस साक्षी दीदी अंदर मंदिर की चली गई है और अब कलश जा रही है मंदिर में दर्शन करने शिव जी का। बाप रे बाप, इस मंदिर में मार पूजा कर करके माला फूल फैला दिए हैं, जगह भी नहीं मिल रही थी कि थोड़ा सा दर्शन कर ले। वो तो मैंने इतनी मुसीबत से ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। गाइस, अभी हम लोग दशाश्वमेध मंदिर आए हैं और उसके बाद हम जाएंगे नागवासुकी। और आप लोग अभी पीछे देख सकते हो, ये मंदिर का सौंदर्यीकरण करने के लिए यहाँ पर मंदिर को अच्छे से बनाया जा रहा है। तो चलिए चलते हम लोग अगली मंदिर। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं नागवासुकी मंदिर, आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं। चलिए आपको अंदर से नागवासुकी के दर्शन कराते हैं। इससे पहले भी आप लोग मेरे व्लॉग में देख चुके होंगे, तो क्या हुआ आज शिवरात्रि थी तो ये सब दिखाना, मतलब प्रयागराज में कहाँ का अच्छी अच्छी मंदिर है वो दिखाना तो बनता था, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो गाइस, अभी हमारे पीछे सांप आ गया था जिसलिए हम डर के भाग गए अपने शूज वूज छोड़ के। पलक तो और ही ज्यादा डरती है, डरपोक कहीं की। देखो जरा कितनी सुंदर आज पलक कितनी सुंदर लग रही है। गाइस, आज ये लोग मेकअप करके आना इसी वजह से, क्या चूक गए मेकअप करने में। आप लोग यहाँ का लोकेशन देख लीजिए, कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग आ चुके हो कि नहीं कमेंट में जरूर बताना, और नहीं आए होगे तो कब आओगे वो भी आप लोगों को मुझसे बताना। सज रही भूली बाबा दूल्हे में, यहाँ पर निकल रही है शिव जी की बारात।
क्या आप भी चलना चाहते हो शिव जी की बारात में? अगर चलना चाहते हो तो सबसे पहले कमेंट्स में लिखो हर हर महादेव, और जहाँ पर हो आप वहीं पर खड़े होकर ठुमके लगा दो। भाई बारात है, बारात में नाचना तो बनता ही है, और भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण करे। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार मोटिवेशन मिलता है। अभी हम लोग जा रहे हैं भंडारा खाने, यहाँ पर एक कचौड़ी गर्मा गर्म और दम आलू पलक हम लोग का फेवरेट है ना। हाँ फेवरेट है, हम लोग यही चाहते हैं कि भंडारे में पूरी कचौड़ी और दम आलू मिल जाए खाने। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइस, और कमेंट्स में लिख देना हर हर महादेव। जय।